वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में ऐसे तीन टिप्स जनरल इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन के यूट्यूब, जिसको अगर आप अप्लाई करते तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर वेरीफाई होगा। बहुत कमाल की टिप्स है यार, तो वीडियो बहुत कमाल होने वाला। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और यार आप, मैं जानते हैं ये वीडियो देखने से पहले आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, उसमें आपको बोलते रहेंगे कि आप इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलोअर्स इंक्रीज को, अच्छी अच्छी फोटोज़ अपलोड करो, बहुत से डिफरेंट क्राइटेरिया बताते होंगे। तो यार इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको एकदम सिंपल पर थोड़ा हार्ड होगा, अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर वेरीफाई होगा। तो यार वीडियो एंड तक देखना, बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है और बहुत नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना अगर आप नए नए हो। तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना यार, बहुत मोटिवेट होता है, अगर लाइक मिलता है तो मोटिवेट होता हूँ। तो यार सोचते हैं डेस्कटॉप के ओपन किया, तो डेस्कटॉप पे सब बताने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत अच्छा, और मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो यार टिप्स ज़रूर अप्लाई करना ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ यार। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र पे जाता हूँ ओपन। अब आप सोचते हैं ये ब्लॉग के ओपन किया, तो ब्लॉग पे मैं आपको सब बताऊंगा कि मेरे ब्लॉग के ओपन किया है और क्या क्या इंस्टाग्राम के ओपन किया है, तो सब इस पे ही है। तो पहला है, मैं एक सिंपल सा मैं एक एक्टर का मैं नाम सर्च कर लेता पहले, ठीक है। तो आप सोचते हो एक्टर का नाम क्यों सर्च करा, तो वीडियो देखो तभी समझ में आएगा एक्टर का नाम क्यों सर्च करा, उस पर मैं आपको क्या बताना और क्या टिप देने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा वीडियो होगा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ सलमान खान। तो आप सोचते हो सलमान का बहुत बड़ा एक्टर तो है ही, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा सलमान खान। तो यार यहाँ पे सलमान खान के रिलेटेड सब आर्टिकल्स फोटोज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइड में आपको विकीपीडिया का पेज दिख रहा है। विकीपीडिया क्यों आ रहा है, मेन यही कि अगर आप विकीपीडिया एक मेन ऐसा चीज़ है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम को वेरीफाई करवा सकते हो, आप अपने नाम का आर्टिकल लिखो विकीपीडिया पर। विकीपीडिया पर जो बात आप फ्री में आर्टिकल लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है और कैसे लिखेंगे तो मुझे कमेंट करो, मैं उस पर बता दूंगा कि कैसे लिखने का विकीपीडिया, अपना खुद का आर्टिकल, उस पर फोटोज़ अपलोड करना। अगर आप डिजिटल किसी डिजिटल मार्केटर को बोलेंगे कि मुझे अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट वेरीफाई कराना है, तो आपको ज़रूर ये पूछेगा कि आपके पास विकीपीडिया का पेज है कि नहीं। तो मेन बात यही है कि इंस्टाग्राम भी विकीपीडिया का पेज ज़रूर चेक करता है, अगर आपके पास आपका विकीपीडिया का पेज है तो। अगर आप वेरीफिकेशन में डालोगे तो आपको विकीपीडिया का पेज वो ज़रूर चेक करेगा कि आपका उसका एल्गोरिज्म ही ऐसा है कि ना, वो पहले यही सर्च करेगा कि विकीपीडिया के पेज है कि नहीं आपके पास। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, डिफरेंट मेथड है पर आपको डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ता है। अगर आपको पेज बनाना है तो मुझे कमेंट करो, तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि कैसे आर्टिकल लिखना है, कैसे पेज बनाना है, उसको कैसे पब्लिश करना है। तो बहुत लंबा इस हो जाएगा वीडियो अगर मैं इधर बना दूंगा, तो इसलिए वीडियो में कमेंट करो तो मैं बता दूंगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे सब उनका उनकी अर्निंग, उनकी बर्थ डेट सब कुछ यहाँ पे लिख गया था, तो आपको भी कैसे करना है, ऐड करना है, तो इसको भी बता दूंगा। पहला टिप यही है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसी होता है कि पहले आपको यही देख आपको विकीपीडिया पेज मांगेगा। अब दूसरी चीज़ पे ये पहला टिप यही है कि, और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं बहुत सारे, ये तो ये भी एक डिफरेंट है। तो हम एक दूसरे पे आते हैं, अब मैं ब्लॉग पे हूँ, ये द स्टेटमेंट ब्लॉग है, इसे बहुत सारे ब्लॉग आते हैं इंडियन ब्लॉग बहुत सारे। तो इंडियन ब्लॉग मेन चीज़ यही है कि अगर आप किसी ब्लॉगर को बोलते हो मेरे ऊपर आर्टिकल लिखे, बहुत लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग फ्री में लिख देते हैं। अगर आपको खुद ही लिखना है आपका ब्लॉग, तो मुझे कमेंट करो, मैं आप ब्लॉग कैसे बनाते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोग ने अपना अपना ब्लॉग, अगर चाहिए तो आप खुद भी अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हो अपने ब्लॉग पर यहाँ पे आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो मैं आप एक सिंपल एक और आपको मैं दिखा दूँ, विराट कोहली मैं यहाँ पे सर्च करता, तो आप सोचते हैं बहुत से एक्टर्स ऐसे सबका यहाँ पे दिखेगा आपको ना, खाली सलमान खान का नहीं। तो मैं विराट कोहली ऐसे सर्च किया, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे आपको, मैं अभी नेक्स्ट दूसरा पेज ओपन कर लेता, तो मेरा अभी दूसरा पेज ओपन, बहुत नॉलेजेबल वीडियो, तो लास्ट तक ज़रूर देखना यार। तो वीडियो देखो, यहाँ पे ना आपको बहुत सारे आर्टिकल्स दिख रहे विराट कोहली के ऊपर। तो ये अगर आप इंस्टाग्राम पे खासकर वेरीफिकेशन डालोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विकीपीडिया का पेज एंड आपके ऊपर रिसर्च करेगा इंस्टाग्राम की, आपके ऊपर गूगल में रिसर्च करेगा कि आपका कुछ आर्टिकल या कुछ आपके बारे में नॉलेज लेगा, तो ये आपको वेरीफाई करके देता है। तो सेकंड टिप यही है कि आपका खुद का ब्लॉग बनाओ। अगर आपको ब्लॉग बनाने नहीं आता, आप दूसरे कांटेक्ट करके पैसे देके कुछ कुछ फ्री में बनवा के दे देंगे आपको, आपके आर्टिकल खुद फ्री में पब्लिश कर देंगे। तो ब्लॉग अगर आपको उनको कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे करोगे, तो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो बहुत सिंपल है आपको इनको कॉन्टैक्ट करना भी, तो मैं पहले स्क्रॉल करके नीचे चले जाता, लास्ट में यहाँ पे एक मिनट, लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ऐसे ये ब्लॉग के हर एक पेज में होता है कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, जैसे आप कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे इनके फ़ोन नंबर दिए, इनके ईमेल एड्रेस, यहाँ तक इनका एड्रेस रख दिया है, वहाँ से कुछ भी इन तीनों में से अप्लाई करके उनसे कॉन्टैक्ट करके, या उनको फ्री में अगर बड़ा कोई ब्लॉग रहेगा
जैसे ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा ब्लॉग है, तो यहाँ पे अगर आप अपना आर्टिकल पब्लिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा रीच, अपना अपना पहचान बढ़ाने का ज़्यादा मौका मिलेगा। तो यार यहाँ पे भी आप अपना आर्टिकल पब्लिश करा दे, पेड वाला है तो यहाँ पे आप पैसे दे के करा सकते हो, ये फ्री में नहीं करके देगा। तो यार मेहनत करो यार, डायरेक्ट यहीं से करो तो आपके ऊपर है ये। तो फिर एक ये सेकेंड टिप यही है हमारा कि आप ब्लॉग लिख के कर सकते हो इंस्टाग्राम एल्गोरिथम में। ये सेकेंड टिप ये पक्का, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बहुत लोग घुमा फिरा के बताते, और ये वीडियो आज तक ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा, मैं गारंटी देता आपको। तो विराट कोहली के भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे रहेंगे, तो क्या यार मैं यहाँ पे कुछ कुछ ब्लॉग के आपको लिंक दिखा देता हूँ, यहाँ पे मतलब ब्लॉग दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ब्लॉग है तो मैं इसको ओपन कर लेता, सॉरी गूगल कैलेंडर ओपन हो गया पॉपअप में, तो मैं कट कर देता, कोई नहीं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, यहाँ पे एक ब्लॉग है, देखो एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ है विराट कोहली के ऊपर, छोटा हो पर अच्छा आर्टिकल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तो भी चलेगा। तो यहाँ पे भी आपको ना कांटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ढूंढना पड़ता है, कहीं कहीं नहीं मिलता, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन कहीं ना कहीं ये लोग रखते ही अपना कॉन्टैक्ट, ऐसा नहीं अबाउट अस में भी रखते हैं लोग, तो वहाँ से भी आप ट्राई कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पे और एक, मैं आपको फ्री में, अगर आपको आर्टिकल लिखना है, आप खुद आर्टिकल लिखो पर और फ्री में लिखना है, तो एक वेबसाइट है जिस पर अगर आप अपना फ्री में आर्टिकल लिख सकते हो, और बहुत बड़ी वेबसाइट है, छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, जिस पर आप अपना खुद का आर्टिकल पब्लिश करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं ये मीडियम करके वेबसाइट देख सकते हैं, इनका भी विकिपीडिया का पेज है, इन लोगों ने भी अपना विकिपीडिया पेज बनाया, तो विकिपीडिया पेज बहुत मायने रखता है। तो मैं यहाँ पे medium.com है तो मैं इसको ओपन कर लेता, तो आप देख सकते हो बहुत बहुत प्रीमियम लुक वाली वेबसाइट है ये, और इस पे आर्टिकल बहुत बहुत से आर्टिकल्स हैं। आप खुद यहाँ पे लॉगिंग करो, अपने आर्टिकल्स लिखो और यहाँ पे पब्लिश करो, तो इस तरह से आप अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक आर्टिकल मेरे नाम के ऊपर ही, तो वहाँ पे सर्च कर लेता पहले मैं अपना आर्टिकल यहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ। सॉरी यहाँ पे जरा आर्टिकल मेरे यहाँ पे दिख रहा नहीं है, तो मैं वापस रिटर्न में सर्च करता हूँ, कोई नहीं। कई बार यहाँ पे ऐसा होता है कि ना यहाँ पे यही नाम के आर्टिकल बहुत सारे आते हैं, तो आपके आर्टिकल्स कभी जिस पे ज़्यादा व्यू आता है वो टॉप पे रहता है, इस वजह से यहाँ पे दिखता नहीं है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे भी होते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमको भी ज़रूर फॉलो कर लेना है, बहुत डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी हमारे आने वाले जितने भी वीडियोस के शॉर्ट क्लिप्स आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगे, तो यार वहाँ पे भी फॉलो करो, नीचे लिंक है। तो यहाँ पे मैंने अपना आर्टिकल यहाँ पे मिल गया मुझे, तो यहाँ पे मैंने अपना आर्टिकल खुद ही लिखा था, यहाँ पे मैंने अपनी खुद की फ़ोटो अपलोड की थी, और यहाँ पे आर्टिकल भी एकदम शॉर्ट लिखा और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, और यहाँ पे मैंने अपने सब इंस्टाग्राम, ब्लॉग और फेसबुक और ट्विटर के भी लिंक यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए थे, तो आप देख सकते हो बहुत अच्छा लिंक अपने बारे में, यहाँ पे आपको आपके बारे में बताना और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी आप आर्टिकल लिख सकते हो। और ऐसी बहुत सी वेबसाइट के बारे में, अगर आप फ्री वेबसाइट में आपको जानना है तो मुझे कमेंट करो, ऐसी और भी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे फ्री में आर्टिकल लिख सकते हो। तो पहली वेबसाइट यही है, ये तो सैम्पल के लिए बता दिया। अब तीसरी टिप के ऊपर बढ़ते हैं यार, बहुत कमाल ये टिप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे ही है, और इंस्टाग्राम एल्गोरिथम पे ही है। जो तीसरा टिप है वो बहुत कमाल का टिप है, तो यार वीडियो एंड तक देखना। तो अभी मैं तीसरे टिप के ऊपर आ जाता हूँ, पहले मैं आर्टिकल ये एंड वेंड कर दूँ। ऐसा आपको आर्टिकल नॉर्मली लिखना, पहले इसको मैं बता दूँ क्या क्या है, आपके आपके बारे में बताओ, और आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। तो मैं चाहूँगा आप एक गोल सेट कर लो, कि जैसे बहुत लोग का एक रहता है कि कोई एक्टर है, कोई फिल्म स्टार, मतलब कोई डिजिटल मार्केटर है, उनका गोल रहता है, मतलब वो कुछ करते हैं, तो आप भी ऐसे कुछ सेट कर लो तो वहाँ पे ऐड करो। ऐसा कुछ भी, मतलब स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ भी मत लिखना आप वहाँ पे, तो आप ये ज़रूर करना ऐसा। तो अभी मैं चले जाता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता कि किसी एक्टर का नाम, आप बोले फिर से एक्टर का नाम सर्च कर रहा था, मैं बताता हूँ इसमें क्या रीज़न है, एक्टर का नाम मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी अपना इंस्टाग्राम का, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता विराट कोहली, ओके। सर विराट कोहली का पेज तो ऊपर दिख गया, पर इसके नीचे जितने भी है ना विराट कोहली फैन क्लब, विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे विराट कोहली के इमेजेस लगे हुए, और उनके अकाउंट बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए, या बोल सकते हैं उनके फैन क्लब बने हुए, तो ऐसा क्यों बना। और इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन मेन मेन मतलब यही होता है कि जो रियल है, जो रियल अकाउंट है उनको वेरीफाई देना, ना कि ये फेमस होने के लिए, ना कि कोई वीआईपी है
इसी पे ब्लू टिक होता है, इसलिए होता है कि जिससे कि असली अकाउंट की पहचान हो सके। तो मेन यही होता है यार। तो आप भी ऐसे फेक अकाउंट बना सकते हो, आप अपने मोबाइल से नहीं बना सकते हो, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं तो उस पर बनाओ। और फेक अकाउंट क्यों बनाने बोल रहा हूँ मैं, इसलिए क्योंकि फेक अकाउंट से बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम के अगर वेरीफाई करते हो, अगर फेक अकाउंट बना के आप ये तीनों टिप अप्लाई करके, या फिर बिना बिना अप्लाई करके, अगर अप्लाई मतलब बिना ये तीनों टिप अप्लाई किए आप अकाउंट आप वेरीफाई के लिए अप्लाई करते हो, तो आप पहले आपका उसका एल्गोरिथम ऐसे ही कि ना आपको पहले सर्च करें आपके बारे में इंस्टाग्राम पे ही। और अगर आपका कुछ भी ऐसा मतलब आपके नाम के बहुत सारे अकाउंट नहीं बने हुए, सिर्फ एक सिंपल अकाउंट है, मतलब आपका कोई फैम ही नहीं है, फेम ही नहीं है आपका, तो क्या मतलब उसको वेरीफाई दे के। तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि सलमान खान है, शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन है, ये सब के फेक अकाउंट बनते ही है, इनके फैन क्लब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मेन अकाउंट की पहचान हो सके, ब्लू टिक वाले को उनको ब्लू टिक मिल के ब्लू टिक मिल सके जिनका फेक अकाउंट, सॉरी यार मैं बीच बीच में अटक रहा हूँ, तो उनको ही ब्लू टिक मिल सके जिनका रियल अकाउंट है। तो आप फेक अकाउंट बना के बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, एक ही बार में आपको हज़ारों फेक अकाउंट आपके नाम के और आपके फ़ोटो के साथ बना के दे सकता। अगर आपको कैसे कैसे बनाने है, अगर आपको उसका क्रैक वर्जन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो में बना दूंगा, उस पर भी क्रैक वर्जन बना दूंगा। तो ये तीन टिप्स है। और एक बोनस टिप आपको बता दूँ कि अगर आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई करा रहे हो, तो बोनस टिप यही है कि ना आप अपना नाम एकदम नॉर्मल रखो। बहुत लोग ना नाम ही अलग रखते हैं, आतंक भाई, नहीं तो फिर कुछ लोग तो बायो भी बहुत अलग, माँ का लाडला, ऐसा अजीब ही लोग रखते हैं। तो ये बहुत बहुत लोग ये मत करो ऐसा, आप एकदम रॉयल और सिंपल और रॉयल रखो, तो ही बहुत लोग को तो इंस्टाग्राम को बहुत अलग लगेगा। तो आपके नाम का यूज़र नेम रखना, ऐसा कुछ भी मत रखना, तो ही इंस्टाग्राम आपका अकाउंट रॉयल लगेगा, तभी जाके वेरीफाई होगा। तो वीडियो कैसी लगी यार बताना। और ये वीडियो डायरेक्ट लिंक है इंस्टाग्राम से, ऐसा नहीं है फेक वीडियो है तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं तो यार फेक बनाया तूने, ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट लिंक है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हुए, अपने इंस्टाग्राम को ग्रो किया, अपने अकाउंट को भी मैंने ग्रो किया। आप कम इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर मेरे को चेक कर लो तो आपको मालूम पड़ेगा। तो कैसी लगी यार वीडियो, एक कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लेना। तो यार एंड करते आज की वीडियो को, और भी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।